हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है डाइटिंग के ऊपर। अंजलि ने बहुत वेट लूज किया है। मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो वेट मेरा था, जो पोस्ट प्रेगनेंसी फैट होता है, बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आती है कि पोस्ट प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी का जो फैट होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है। तो आई वॉज ऑलमोस्ट 76 kg जी मेरा वेट था, और अभी दिशा 14-15 मंथ्स की है। तो 76 kg वेट से अभी फिलहाल मैंने 61.9 समथिंग अचीव कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ डाइट हमारी वेट लूज में 80% जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डाइट काम करती है। सबसे पहली बात, वो चाहे कैसा भी फैट हो, वो चाहे तुम नॉर्मली अपना वेट गेन कर रहे हो, चाहे तुम्हारा आफ्टर प्रेगनेंसी का फैट हो, कुछ भी एनीथिंग, तो 80% तुम्हारा डाइट ही काम करती है सबसे पहली बात। तो जो डाइट हम आज आपको बताने वाले हैं, फुल डे डाइट प्लान जो हम आपको बताएंगे, उस डाइट प्लान में वो कोई भी फॉलो कर सकता है। और मतलब वो तुम जो फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे रूटीन में आ जाएगी। और मुझे लगता है वो जिम जाने की नहीं, उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा ये है कि इफ पॉसिबल जो मैंने किया कर होता है हमारे फोन में, हमारे पास वॉच होती है, स्मार्ट वॉचेस होती है, तो थोड़ा सा अपने स्टेप्स काउंट का ध्यान रखा जाए कि जैसे हमने जैसे आप इवनिंग वॉक कर ली। हाँ, मैं इवनिंग में खाने के बाद मैंने 10,000 स्टेप कोशिश की है कि मैं 10,000 स्टेप अचीव करूँ कम से कम, कि कितने मील लेने हैं, कैसे उस चीज़ को फॉलो करना है, सब कुछ घर की चीज़ें होंगी। जो डाइट हम आज आपको बताने वाले हैं उसमें सब कुछ घर की चीज़ें होने वाली हैं। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्योंकि जिन्होंने मुझे देखा है आफ्टर डिलीवरी, मैं आपकी फोटोज भी लगा दूंगा। एक्चुअली मैं इनकी फोटो लगाऊंगा, आप जरूर देना। ये ऊपर फोटो भी देखना, ये इसकी कंडीशन थी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदमी भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले माइंड में क्या थॉट आता डाइटिंग करने वाले के, यार मुझे बॉयल खाना पड़ेगा, मेरी बॉडी पे स्ट्रेस होगा। इसने घर के खाने से ही, घर में जो जो अवेलेबल था सामान, उसी से और फ्रूट से, है ना? बिल्कुल, फ्रूट्स घर का खाना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को तो डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही लाएं, और धीरे धीरे आप देखेंगे अपने अंदर चेंजेस भी देखेंगे। एक दिन में नहीं होता कुछ भी। हाँ। बट आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बाकी चलिए अब आपको डाइट दिखाते हैं कि वो डाइट है क्या। तो ये हम लेने वाले हैं जीरा वाटर, जो कि हमारा रहेगा मील वन, और जीरा वाटर विथ 5 almonds। तो जीरा वाटर की जगह हम लोग बहुत सारे तरीके की चीज़ें वाटर ले सकते हैं, जैसे कि अजवाइन और सौंफ का पानी, तेज पत्ता, और आपका सिनेमन स्टिक्स। मील टू में हमारा होने वाला है फ्रूट बाउल। कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 बजे या 10 बजे। तो लेट सपोज आप 8 बजे पानी पी रहे हैं, तो उसके 2 घंटे बाद आपको फ्रूट लीजिए। और अगर आप 10 बजे मॉर्निंग वाटर ले रहे हैं, तो आप उसके 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद कोई भी एक फ्रूट लीजिए। अब उस फ्रूट में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक तो आपको बनाना नहीं लेना है, मैंगो नहीं लेना है। तो ये आपको कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज लिया है अपनी फ्रूट बाउल में एप्पल एंड पोमग्रेनेट, ठीक है, दैट्स इट। मील थ्री हमारा होने वाला है, ये हम सैंडविच बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये है बॉइल्ड पोटैटो, जिसमें मैंने सिर्फ ऐड किया है कोरिएंडर, मतलब धनिया, हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, मतलब उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लो, ठीक है। तो जीरा पाउडर है, दैट्स इट, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। और जो चटनी हमने बनाई है, ये मैंने बनाई है धनिया, टमाटर, प्याज सिर्फ, और नमक है, आमचूर है, मतलब जैसे बेसिक चटनी बनती है घर, जैसे सब घरों में बनती है, घरों में बनती है, बिल्कुल, जो चटनी हम बनाते हैं घरों में। ये अपने इनोवेट कर सकते हो कुछ भी आप चाहो, तो पुदीने की चटनी बनाना चाहो, जैसे भी, मतलब ये सिर्फ इसमें ऐड करने के लिए है, टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम, अच्छा क्या ये आलू पराठे वाली पिट्ठी है? एग्जैक्टली, ये आलू पराठे वाली ही पिट्ठी है। और ये हम जब अपने बच्चों के लिए लंच बनाते हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए आलू के पराठे की पिट्ठी बनाते हैं, तो सेम वही पिट्ठी है। चाहो तो जैसे सैंडविच हम अपने लिए बना रहे हैं, हम पराठे की जगह अपने बच्चों को भी ये सैंडविच दे सकते हैं, जो कि हेल्थी है काफी। हाँ, बिल्कुल हेल्थी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई फर्क नहीं है, और ऐसे बहुत सारे मिलते हैं यार, ये वाली ब्रेड खाओ जो घर में है, उसी से वही डाइट वही बढ़िया है, जो आप फॉलो कर सकें, जो आपको इजी हो फॉलो करना।
जैसे कि मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे आपको, बॉयल पोटैटोज और चटनी घर की बनी हुई, मैंने उनको उसमें लगा के पहले चटनी स्प्रेड की, फिर उसके बाद मैंने जो है आपका ये बॉयल पोटैटोज को जो पिट्टी बेसिकली आपने इसकी फिलिंग की, हाँ फिलिंग की, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसी स्टाइल में थोड़ा सा कट कर दिया है। थर्ड मील जो है उसको बहुत सारी चीजों से ऑल्टरनेटिव उसके बहुत सारे हैं, तो इफ यू वांट, मैं आप चाहते हो कि मैं आपको और भी रेसिपीज बताऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये डाइट रूटीन मेरा, तो मैं आपको डेफिनेटली और वीडियोस आएंगे। हाँ बिल्कुल, और वीडियोस और रेसिपीज बताएंगे। एक्चुअली मैं ना बेसिक होता है रेसिपीज बताना, वेज दलिया, ओट्स कटलेट, ये बहुत सारी चीजें, हाँ रेसिपीज बताएंगे पक्का। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो मील फोर दिखाइए, क्या है वो मील फोर? मील फोर है हमारी ये खाने की हमारी प्लेट है। देखिए कितनी टेंपरेचर लग रही है अभी, तो मैं बता देती हूँ, ये है घी की सब्जी नॉर्मल घर में जो बनती है, और ये मैंने जो हमारे जितने भी डाइट में, मैं ये भी एक चीज बताना चाहूंगी कि जितनी भी सब्जियाँ बनाओ वो या तो सरसों के तेल में बननी चाहिए या देसी घी। जो रिफाइंड ऑयल है वो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर एनीवन, चाहे वो वेट लूज कर रहे हैं, चाहे वो अपने डेली लाइफ, चाहे वो ना कर, कुछ भी है। ये है दही सिंपल, मैंने इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप प्लेन कर्ड है। हाँ प्लेन कर्ड है। खीरे के स्लाइसेस हैं, घर में जो कल चटनी जो हमने मील फोर में, सॉरी मील वन में सैंडविच में जो चटनी हमने बेसिक यूज की थी ये वो चटनी है, और ये है दो रोटी। ये हो चुकी है ग्रीन टी रेडी, कोई भी ग्रीन टी आप ले सकते हो, कोई भी ब्रांड की, कोई भी ब्रांड की, हाँ बिल्कुल। और ये है कुछ सीड्स, तो ये है हमारे पम्पकिन सीड्स, ये सेसमे, ये आपके सनफ्लावर सीड्स, और ये है फ्लैक्स सीड्स। हम जितने भी हमारे सीड्स हैं उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, तो मैंने एक एक बिल्कुल एक एक स्मॉल पोर्शन स्पून में, एक एक स्पून हम ये सारे सीड्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिए हैं, ये हैं आपके सेसमे सीड्स जी, तो ये मैंने सारे सीड्स ले लिए हैं। हाँ जी ठीक है, और हम इन सीड्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। okay. हाँ तो ये सीड्स का बेनिफिट बहुत है, इन सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है ना। ये आपकी हेल्थ, मतलब आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्सिफाई करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प करते हैं सीड्स। ठीक है, तो ये आप इवनिंग में आफ्टर लंच, आप उसके 3 घंटे बाद आप ये सीड्स ले सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपका जो भूख है, आपकी जो भूख है ना, वो एक्चुअली में हमें भूख होती है तो हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं, तो वो कुछ भी ना की जगह का काम करेगा। हाँ वो कुछ भी ना की जगह आपको ये आप लोगे तो एक तरीके से आपको एक स्नैकिंग मिलेगी। हाँ जी, तो ग्रीन टी एंजॉय कर ली है हमने अपने सीड्स के साथ, तो अभी जो हमारा मील 6 रहेगा वो रहेगा ये मील लेने के 2 घंटे बाद, 6:30 अगर आप ये लेते हो तो 8:30 आपको ये मखाना, मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको भूख लगती है तो आप मखाने भी खा सकते हो, सैलेड ले सकते हो, सैलेड तो सो दैट डिनर से पहले अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज ले लेते हो तो उससे आपको डिनर में भूख कम लगेगी, डिनर से 2 घंटे पहले लेने हैं तो जिससे कि आपको थोड़ा भूख कम। अब हमारा हो चुका है मील 7 का टाइम, जो है डिनर का टाइम। तो क्या है जी, डिनर है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी है ये। ठीक है, तो ये हमारा डिनर टाइम रहेगा, तो डिनर में हमें ऐसी हल्की चीजें लेनी है, चाहे वो मूंग दाल की खिचड़ी हो, वेजिटेबल दलिया हो, या हम नॉर्मल कोई बॉइल्ड दाल भी खा सकते हैं विदाउट उसको छोके बिना, मतलब उसको छोकना नहीं है घी में या जीरे में, ये सब बॉइल्ड ही खाना है, मतलब रात को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल डाइट प्लान जो अंजलि ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आपको रेसिपी चाहिए या आपको खुद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा लगे कि वो डाइट, हाँ फायदा हो रहा है, जरूरत है उन लोगों के साथ भी जिनके पास टाइम जिम जाने का है, और जिनके पास टाइम नहीं है उनको इसके साथ भी आपको शेयर करना है। बट दिस डाइट विल डेफिनेटली वर्क फॉर ऑल ऑफ यू वुमेन्स आउट देयर एंड मेंस आल्सो, जो भी है सभी लोगों को बहुत काम फायदेमंद है ये डाइट सभी के लिए। तो प्लीज फॉलो दिस डाइट, एंड फॉर मोर रेसिपीज एंड मोर टिप्स रिलेटेड टू दिस, कोई भी क्वेश्चन हो आपके वो आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको उसके रिलेटेड भी चीजें बताएंगे।
चलिए बाय बाय।